तो दोस्तों आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ बालासोर रेलवे स्टेशन की फुल डॉक्यूमेंट्री और जानकारी। तो दोस्तों आप लोगों को मैं वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बात बोल दूं कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये बालासोर रेलवे स्टेशन जो कि ओडिशा की एक जगह में गिरता है दोस्तों, ये रेलवे स्टेशन बहुत ही अच्छी रेलवे स्टेशन है दोस्तों। यहाँ पर आपको कई सारी ट्रेन भी आपको देखने को मिल जाएगी, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी ट्रेन। और दोस्तों ये स्टेशन की बात एक और ख़ास बात है दोस्तों, जो कि हमारे इंडिया की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस ये स्टेशन होकर के गुजरती है विवेक एक्सप्रेस दोस्तों। ये रेलवे स्टेशन बहुत ही अच्छी रेलवे स्टेशन है दोस्तों। और ये रेलवे स्टेशन के तो दोस्तों आप लोगों को मैं एक बात बता दूं दोस्तों, ये रेलवे स्टेशन जो कि हावड़ा चेन्नई मेन लाइन में मिसा हुआ है दोस्तों। ये चेन्नई जाने के लिए या तो फिर आप गोवा की भास्को डागा में भी जा सकते हैं यहाँ से दोस्तों। ये बहुत ही यहाँ पर आपको होटल की सुविधा भी मिल जाएगी। तो दोस्तों उसके साथ साथ आप स्टेशन के बाहर आते हैं तो आपको दोस्तों यहाँ पर जो है ऑटो की सुविधा मिल जाएगी, आप कहीं पर भी यहाँ से जा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं ये रेलवे स्टेशन दोस्तों जो कि 1896 में जो कि ओपन किया गया था दोस्तों, ये रेलवे स्टेशन को दोस्तों यहाँ पर चार प्लेटफॉर्म है। उसके साथ साथ दोस्तों ये रेलवे स्टेशन में बहुत ही अच्छी सी ट्रेन भी यहाँ से गुजरती है, जैसे कि दोस्तों नामी दामी का ट्रेन वो है जो कि फलकनामा एक्सप्रेस दोस्तों इसी रेलवे स्टेशन से होकर के जो गुजरती है। उसके साथ साथ दोस्तों कामाख्या जाने के लिए भी दोस्तों ये ट्रेन यहाँ से आप पकड़ करके जा सकते हो। उसके बाद आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था जो कि विवेक एक्सप्रेस दोस्तों जो कि इंडिया की सबसे लंबी दूरी करने वाली ट्रेन है दोस्तों, वो भी जो है यहाँ पर स्टॉपेज ले करके जो है गुजरती है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे जनाता है हावड़ा चेन्नई मेन लाइन में दोस्तों। यहाँ पर हावड़ा की जो भी चेन्नई लाइन को ट्रेन जाती है या तो फिर बेंगलुरु लाइन को जाती है तो दोस्तों यहाँ से होकर गुजरती है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ की और ख़ास एक बात बता दूँ दोस्तों, अगर आप यहाँ आते हैं तो और यहाँ की एक जगह है चांदीपुर जो कि दोस्तों ये बालेश्वर में बहुत मशहूर है दोस्तों, यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर आप ये स्टेशन आए हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना और उसके साथ साथ दोस्तों बेल आइकन को भी ऑल कर देना। बस दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके साथ साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कौन सा रेलवे स्टेशन की आपको जानकारी चाहिए मुझे नीचे कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब।